हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट कर रहा हूं मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कुछ ऐसी यारियां के टॉप 10 फ्रेंडशिप मूवमेंट्स बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रिस्पेक्टेबल मूवमेंट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो कि दुश्मन है सदियों 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 से, तो उनके बीच की कैसी यारियाँ हुई हैं ऑन ग्राउंड। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो लोगों की नजरों में मैच का मैदान नहीं बल्कि युद्ध का मैदान होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इस नफरत को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं और करोड़ों शायकीने क्रिकेट के दिलों को मोम करके अपने प्यार से भर चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के फ्रेंडली मूवमेंट्स दिखाने वाले हैं जिनके बारे में लोग और न्यूज चैनल कभी बात नहीं करते। नंबर 10, सौरव गंगोली और इंजमामुल हक। दोस्तों, सौरव और इंजमाम की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं। ये दोनों ही अपने दौर के जेंटलमैन थे। इन दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेली और बहुत ही कमाल के कप्तान थे। इंजमाम जब भी इंडिया का दौरा करते हैं तो इनका खाना सौरव गंगोली के घर से आता। ये दोनों ही एक साथ टीवी एड्स में काम भी कर चुके हैं। नंबर 9, विराट कोहली और मोहम्मद आमिर की दोस्ती। जब मोहम्मद आमिर ने 5 साल की सजा के बाद कमबैक किया तो इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा। अपनी ही टीम के प्लेयर्स मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने ये तक कह दिया था कि अगर आमिर की टीम में वापसी हुई तो हम इस टीम में नहीं खेलेंगे। आमिर को फिर भी टीम में शामिल कर लिया गया और विराट कोहली ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए आमिर को अपना बैट गिफ्ट कर दिया। सभी फैंस को ये बात इतनी पसंद आई कि ये किस्सा कई दिनों तक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करता रहा और आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि विराट कोहली इस टाइम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके लेकिन जब भी खेलते हैं तो कांटे की टक्कर होती है। मोहम्मद आमिर भी विराट कोहली के उन चुनिंदा गेंदबाजों में से एक हैं जिनको खेलते हुए कोहली अक्सर आउट हो जाते हैं। जो मैं रिसेंट मतलब टाइम्स में खेला हूँ बोलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड। नंबर 8, सचिन तेंदुलकर और शुएब अख्तर की दोस्ती। दोस्तों, तेंदुलकर और शुएब अख्तर की दोस्ती के बारे में तो सब वाकिफ हैं। जहां ऑन फील्ड दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी, वहीं दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी सरेआम देखने को मिला। जैसे 2007 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच हो रहा था और पानी के वक्फे में शुएब और सचिन ने एक ही बोतल से पानी पिया। ये नज़ारा देखने के लायक था क्योंकि सचिन और शुएब को हमेशा गेंद और बैट से लड़ते हुए देखा गया। इस लम्हे ने देखने वालों को अपना दीवाना बना लिया। अब इन दोनों के लिए एक लाइक तो बनता है, तो कर दीजिए ना। नंबर 7, युवराज और शाहिद अफरीदी की दोस्ती। युवराज सिंह एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके हर एक पाकिस्तानी प्लेयर के साथ अच्छे रिलेशन हैं और स्पेशली शाहिद खान अफरीदी के साथ, जिनको ये अपना भाई मानते हैं। इन दोनों ने 15 साल से ज्यादा अरसा एक साथ क्रिकेट खेली। ये दोनों ही अपने दौर के खतरनाक पावर हिटर थे। जब पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत हुई तो युवराज सिंह ने अफरीदी के नाम एक स्पेशल मैसेज किया और इनकी तारीफें की। अब ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अफरीदी का दिल भी बहुत बड़ा है। आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसने सभी इंडियन को शाहिद अफरीदी का फैन बना दिया। ये लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब शाहिद अफरीदी स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर क्रिकेट खेल रहे थे। मैच के बाद अपने फैन से मिलने गए और फोटो खिंचवाने लगे। अफरीदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फैंस की एक लंबी लाइन लग चुकी थी और वहीं एक अफरीदी की फैन इंडिया से थी। अफरीदी ने इनके साथ भी फोटो खिंचवाई लेकिन जब इंडिया के फ्लैग की तरफ नजर पड़ी तो वो खुला हुआ नहीं था। इसके बाद अफरीदी ने फ्लैग को खोलने के लिए कहा और फिर दोबारा फोटो खिंचवाई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करती रही और इंडिया में अफरीदी की खूब तारीफें की गईं। नंबर 6, विराट कोहली और बाबर आजम। दोस्तों, विराट कोहली के बारे में तो आप जानते हैं कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ये क्रिकेट ही नहीं बल्कि एक बड़ा दिल रखने वाले इंसान भी हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला गया। इंडिया को इस मैच में एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने यह मैच 10 विकेटों से जीत लिया था। ग्राउंड के बाहर शायकीन क्रिकेट इस मैच को जंग का माहौल समझे बैठे थे, लेकिन दोस्तों विराट कोहली बाबर आजम के साथ हाथ मिला रहे थे और मोहम्मद रिजवान से खुशी खुशी बातें कर रहे थे। कोहली ने रिजवान को गले लगाया और जीत की मुबारकबाद भी दी। ये बात शायकीन क्रिकेट के दिलों को इतनी छुई कि हर जानिब इनकी तारीफें होने लगी। नंबर 5, इंडिया और पाकिस्तान का इमोशनल मैच। दोस्तों सभी को याद होगी 1999 की यादगार इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, जहां दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में जो चेन्नई में खेला जा रहा था, इस मैच में सचिन इंडिया को जीत के बहुत करीब ला चुके थे और सिर्फ 17 रन्स बाकी थे। जब वो आउट हुए तो इनके बाद इंडिया ने अपनी आखिरी 3 विकेट्स सिर्फ 4 के स्कोर पर खो दी और पाकिस्तान की टीम ने ये मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच की सबसे अच्छी बात ये थी कि इंडिया के हार जाने के बाद भी इंडियन क्राउड ने पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया। ये एक बहुत खास मेमोरी है क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पर जंग का माहौल चल रहा था और क्राउड की तरफ से सपोर्ट मिलना हमें ये सिखाता है कि स्पोर्ट को सिर्फ खेल की तरह खेलना चाहिए, ना कि जंग की तरह। नंबर 3, सौरव गंगोली और शाहिद अफरीदी। दोस्तों 1997 में जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज खेल रहा था, तब सौरव गंगोली का बैट टूट गया। सौरव उस वक्त इंडियन टीम में नए आए थे और अपने साथ ज्यादा बैट कैरी नहीं कर पाए, तो गंगोली ने दोनों ही टीमों के बैट देखना शुरू कर दिए। इन्हें शाहिद अफरीदी का बैट पसंद आया। इन्होंने अफरीदी से पूछा, क्या मैं ये बैट अपने पास रख सकता हूँ? तो अफरीदी ने भी गंगोली को बिना कुछ कहे वो बैट गिफ्ट कर दिया। यह किस्सा सौरव गंगोली ने 2012 के टी20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए सुनाया। नंबर 2, इमरान खान और सचिन तेंदुलकर। दोस्तों अब जो वाकया हम आपको बताएंगे, इसे सुनकर आप कभी भी यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच है और ऐसा हो चुका है। ये बात है 20 जनवरी 1987 की, जब मुंबई में गोल्डन जुबली मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा था। तब सचिन सिर्फ 13 साल के थे और इनकी ड्यूटी ड्रेसिंग रूम में प्लेयर को रिफ्रेशमेंट देने की थी। मैच के दौरान ही पाकिस्तानी प्लेयर होटल वापस चले गए और फील्डिंग के लिए पाकिस्तान के पास प्लेयर्स कम पड़ने लगे, तो इमरान खान ने सचिन को फील्डिंग के लिए बुलाया। इन्होंने 25 मिनट पाकिस्तान के लिए डीप मिड विकेट पर फील्डिंग की। इस तरह ये 25 मिनट पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब इसके बदले में एक लाइक तो बनता है, फिर ठोक दीजिए। नंबर 1, मिसबाउल हक और आरपी सिंह। दोस्तों ये बात है 2007 की, जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया तो प्रैक्टिस के दौरान मिसबाउल हक का हेलमेट नहीं मिल रहा था। इसी दौरान आरपी सिंह ने इनको देखा और अपना हेलमेट दे दिया। ये इंसिडेंट दोनों ही प्लेयर्स की एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट को जाहिर करता है। दोस्तों ऐसा ही एक लम्हा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने इंडिया जैसी टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। लेकिन इस फाइनल मैच के हारने के बावजूद विराट कोहली और युवराज सिंह खुशी खुशी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बातें करते हुए नजर आए। इन्होंने मैच को सिर्फ मैच ही समझा, न कि जंग। नंबर 1, दोस्तों क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया और इंडियन क्रिकेटर पाकिस्तान के फेवरेट हो सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के शुएब अख्तर पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में पसंद किए जाते हैं और विराट कोहली के चाहने वाले पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही हैं। यहाँ बहुत से बच्चे विराट को न सिर्फ चाहते हैं बल्कि विराट की शर्ट पहनकर क्रिकेट भी खेलते हैं। ऐसा ही एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जिसका नाम चाचा है और इसे पूरी दुनिया में क्रिकेट से मोहब्बत की वजह से जाना जाता है। ये जितने पाकिस्तान के फैन हैं उतने ही इंडिया के हैं, क्योंकि MS धोनी को वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते हैं। और ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जब 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में टिकट्स का मिलना मुश्किल हो रहा था, तो MS धोनी ने चाचा को टिकट्स दिलवाई। ये बात यही खत्म नहीं हुई बल्कि MS धोनी ने चाचा को 2016 के एशिया कप में अपना साइन किया हुआ बैट दे दिया। चाचा का कहना था कि इन्होंने आज तक धोनी जैसा इंसान नहीं देखा और इनकी वजह से ही वो पाकिस्तानी होते हुए भारत को सपोर्ट करते हैं।
अपने आप को हीरो सुपर हीरो धोनी जी टाइप का हीरो मैं बन जाऊंगा, अपनी रेस्टोरेंट में गरीब नवाते काउंटर पे रखूंगा तो हर आदमी देखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत खूबसूरत मूवमेंट्स थे ये जो हमने देखे, मतलब दिल बाग बाग हो गया खुशी से, मतलब इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही थी इसको देखते हुए कि यार क्या क्या कनेक्शंस होते हैं, मतलब ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड भी हैं रिलेशनशिप, बहुत अच्छे प्यारे प्यारी दोस्ती है इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स में। तो ये जो अभी लेटेस्ट के देखे हमने वो भी हैं, लेटेस्ट के आप समझ सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप अभी गया है 2 महीने पहले, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है, जैसा कि विराट कोहली ने रिजवान को हक किया, उनको शाबाशी दी, सर पर हाथ रखकर सहलाया, रिजवान भी उनके गले लगे, बाबर से बहुत देर बात हुई, धोनी गए मेंटोर थे इंडियन टीम के, यहाँ खेल नहीं रहे थे तो ग्राउंड पर गए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलकर काफ़ी देर तक बात की, चर्चा की उनके साथ मिलकर। सचिन ने 25 मिनट फील्डिंग किया पाकिस्तान की तरफ से, ये इंटरेस्टिंग मुझे जानने को मिला इस वीडियो में। एंड उस वक्त से, बहुत पुराने वक्त से, 1986-87 से अब तक की आप देख सकते हैं कि वर्सेस वॉर और ये सब चीज़ें चलती आई है, दुश्मनी चलती आई है, लेकिन क्रिकेट में ऐसी फ्रेंडशिप मोमेंट्स अब तक बनते आए हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था यार कि इंडिया ने पाकिस्तान की जीत पर, मतलब उसको चीयर किया था, जश्न मनाया था, ये बहुत मतलब अमेजिंग था मेरे लिए सुनना कि यार ऐसा हुआ था। एंड शाहिद अफरीदी को भी सल्यूट यार, उन्होंने क्या अमेजिंग काम किया था इसमें, जब फ्लैग वो मुड़ा हुआ था, लड़की फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में फ्लैग पर ध्यान नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बोला इसको खोलो खोलो ताकि वो फ़ोटो में आए सही से, बढ़िया लाला। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक करके शेयर करो, ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।